सभी को जय हिंद। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के ऊपर में कि लास्ट के 15 दिनों में जो आपको दिक्कत समस्या हो रही है तो उससे रिलेटेड मैं डिटेल वीडियो आपको बताने वाला हूं कि क्या दिक्कत क्या समस्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे रेलवे ग्रुप डी के अभ्यर्थी हैं तो इनको क्या दिक्कत समस्या हो रहा होगा, यही सेम चीज़ आपको भी हो रहा होगा, तो इनसे सारा चीज़ बात करते हैं और आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सब कुछ समझाते हैं। बताइए आपको क्या क्या दिक्कत समस्या हो रही है अभी। बस सभी को सीन पेन सर, रनिंग करते समय स्टमक में पेन। अच्छा, सबसे पहले एक एक चीज़ को पकड़ते हैं, सीन पेन। तो सीन पेन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका जूता पे डिपेंड करता है कि आप जूता कैसा लिए। पहला कारण ये होता है कि आप एक अच्छा जूता ज़रूर लीजिए। अगर मुझे कोई अच्छा जूता का लिंक मिलता है तो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके चेक कीजिए। दूसरा चीज़ कि आप अच्छे से वार्म अप नहीं करते हैं, ठीक है। ये बच्चे देख सकते हैं, इनको प्रॉपर वार्म अप कराया जा रहा है ना। वार्म अप आप ज़रूर अच्छे से कीजिए। और तीसरा कारण ये होता है कि आप जो है हार्ड एक्सरसाइज या फिर अचानक से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा देते हो, ये चीज़ें हैं। चौथा कारण ये होता है कि आप में से ज़्यादातर लोग बहुत दिनों से वर्कआउट कर नहीं रहे हो और अचानक से वर्कआउट में आ जाते हो, तो इससे सीन पेन होना ही होना है। सीन पेन अभी अचानक से आपका ख़त्म नहीं होने वाला है, कम हो सकता है। कैसे कम हो सकता है? सबसे पहले आप बर्फ़ से सिकाई कीजिए। अभी जैसे इनका वर्कआउट कम्प्लीट हो गया है तो ग्राउंड जाके, ग्राउंड के बाद आप बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं, और बर्फ़ से सिकाई आपको डायरेक्ट नहीं करना है, कपड़े में लपेट के आप कर सकते हैं। दूसरा चीज़, आप कैल्शियम रिच डाइट लीजिए, दूध थोड़ा पीजिए। आप कैल्शियम का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, ये जैसा कि आप पाउच देख रहे हैं कैल्सीरोल, इसका प्रयोग कर सकते हैं। सप्ते में एक दिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप सरसों का तेल से मालिश कर सकते हैं। जैसा कि अभी धूप है, इस तरह से पैर को आप सीधा कर लीजिए, आराम से धूप पड़ने दीजिए, सरसों का तेल लगा के हल्का मालिश करके और धूप को लगने दीजिए, जिससे विटामिन D3 आपको मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा, जिससे आपका हड्डियाँ में जो भी विटामिन डी की कमी होगी वो और इसका जो इसका पूर्ति होगी, और आपका जो पेन होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो ये चीज़ें हो गई सीन पेन से रिलेटेड। और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आपको अचानक से नहीं करना है, आपको इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा देना है। और कोई इसका इलाज आपको जो मेरे मुंह से छूट गया हो? यहाँ नीचे दर्द कर रहा है अभी। अच्छा, वो इलाज सीन पेन से रिलेटेड कुछ छूट गया मेरे से जो आपको बताते हैं, हम यहाँ नहीं बता पाए अचानक। कपड़ा लपेट सकते हैं। अच्छा हाँ, और दूसरी चीज़ जैसा कि ये पहना है तो सीन यहाँ तक का लंबा मोजा आता है जिसको बोला जाता है जैसे नी कैप, तो सीन कैप भी आता है यहाँ से यहाँ तक, उसका भी लिंक मिला है तो मैं डाल दूंगा। थोड़ा थोड़ा चीज़ है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको पहुँचाएगा। और जूता आपको अच्छा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बताओ अगला पेन को पकड़ते हैं, कौन सा दिक्कत हो रहा है? नी पेन। नी पेन जनरली तब होता है इसका और सीन पेन का लगभग बहुत सारा कारण मिलता जुलता है। जैसे कि आपका वेट ज़्यादा है, तो अगर वेट ज़्यादा तो सीन पेन भी होगा, और बहुत दिनों से आप स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं हैं तो नी पेन होगा। तो नी पेन को भी आप अचानक से ख़त्म नहीं कर पाओगे, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह आती है। मैंने डिटेल वीडियो बनाया है नी पेन से रिलेटेड, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो उसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये नी कैप पहन सकते हैं, अच्छा जूता ले सकते हैं, बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं, कैल्शियम रिच डाइट ले सकते हैं, और बहुत सारी ऐसे सप्लीमेंट आती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका नी पेन कहाँ हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, यहाँ हो रहा है, आगे पटीला में हो रहा है, पीछे हो रहा है, तो उससे रिलेटेड डिपेंड करता है कि आपको क्या सप्लीमेंट मैं बताऊँ। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक बार डॉक्टर को दिखाइए और किस जगह पे प्रॉपर दिक्कत है वो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और नी पेन बहुत ज़्यादा अगर जॉइंट वगैरह में हल्का दर्द हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, हर दिन आप जब दाल वार लेते हैं तो उसमें आधा चम्मच घी डाल के प्रयोग कीजिए, नी पेन में आपको दिक्कत नहीं होगा। और ठहरने वाली बात नहीं कि उससे वेट बहुत बढ़ जाएगा, कुछ फ़र्क आपका पड़ने वाला नहीं है, आपको वर्कआउट में और मदद मिलेगा। और भाई बताओ कोई और स्टमक पेन सर, रनिंग के समय? रनिंग के दौरान स्टमक पेन, ये जनरली तब होता है जब आपका कोर वीक होता है। पेट की एक्सरसाइज हम आपको करा रहे हैं, तो आपको भी कोर का एक्सरसाइज करना है। दूसरा कारण इसका यह होता है कि आप बहुत दिन से, मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं हो, अचानक से रनिंग करने लगते हो और बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो, हमारा जो डायफ्राम है उसमें क्रैम्प आने लगता है। तो इसके लिए आपको अभी मैंने आपको क्या कराया, कपालभाति करके बताया था। यस सर। तो कपालभाति जब कीजिएगा तो आपका पेट का एरिया मजबूत होगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। कपालभाति आपको समझ में अभी कराया था ना, करके इनको दिखा दो। रेडी स्टार्ट। देखिए इनको मैं रेगुलर कराता हूँ, आप भी इस एक्सरसाइज को कीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, रिलैक्स। अगला पेन बताओ कोई, अगला कहाँ दिक्कत हो रही, क्या दिक्कत हो रही है? हाँ ये पेन, ठीक है, ये जो आपका काफ है, काफ से लेकर पूरा नीचे तक का पेन आ जाता है, तो ये जनरली होता है ओवर ट्रेनिंग की वजह से।
इसलिए होता है क्योंकि आप दौड़ रहे हो 4 चक्कर 5 चक्कर और अचानक से आप थोड़ा वर्कआउट बढ़ा देते हो। आप बढ़ाना भी पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसका प्रॉपर मसाज कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो। बेलना आता है घर में, जो बेलन होता है जिससे रोटी बेलता है, उससे आप प्रॉपर इस तरह से मसाज कीजिए। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगा। और साथ में विटामिन सी का लिमसी टैबलेट मैंने आपको बताया, वो ले सकते हो। साथ ही साथ पानी थोड़ा ज़्यादा पीजिए और इलेक्ट्रोल का आप उसमें प्रयोग कीजिए। और क्या कर सकते हो, आप प्रोटीन का इंटेक थोड़ा बढ़ा सकते हो। प्रोटीन किस में आएगी, दूध हो गया, दलिया हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया, चिकन हो गया। आप प्रोटीन पाउडर भी ऐड कर सकते हो, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाने वाला है। और कुछ बताओ, कोई दिक्कत? हाँ, बहुत लोगों को दिक्कत होता है ये वाली पेन अंदर प्लैंटर फेसिया में। यहाँ पर दिक्कत तब होता है जब आप बहुत दिनों से वर्कआउट वगैरह फिर छोड़े हुए हो और अचानक से खींच देते हो, या फिर पैर कहीं पे इधर उधर पड़ जाता है, इसके कारण ये होता है। तो इसके लिए आपको 1-2 दिन रेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास रेस्ट नहीं करने का समय है तो उस दौरान आप क्या कर सकते हो, अपने एक्टिविटी को स्लो करो और थोड़ा सा ज़्यादा देर तक करो, एकदम धीरे धीरे करो। जहाँ पर आप 200 मीटर 10 बार 12 बार लगाते हो तो उसको एकदम स्लो कर दो, 18 बार लगाओ, लेकिन एकदम धीरे धीरे लगाओ। थोड़ा सा आप रिकवरी का टाइम दो, सही हो जाएगा। और कोई दिक्कत? एंकल पेन से रिलेटेड हम बात करते हैं। जो एंकल पेन होती है ना, एंकल पेन भी डिपेंड करता है कि आपका जो आपने पैर रखा है रनिंग के दौरान, पैर कैसे रख रहे हो आप, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। दूसरा चीज़, अगर आपका ऊपर में बहुत ज़्यादा वेट है, बहुत ज़्यादा फैट है, बहुत ज़्यादा मोटे हो आप, तो भी दिक्कत होता है। तो एंकल पेन के लिए मैंने आपको एक्सरसाइज बताया था। आप क्या कर सकते हो कि आप रबड़ बैंड खरीद सकते हो। रबड़ बैंड जैसे इस मान के चलिए ये पोल है, ऐसे रखो अपने हाथ को, ये पोल हो गया। तो इसमें आप रबड़ बैंड को, अपना रेजिस्टेंस बैंड को फंसा लिए और इस तरह से अंदर की ओर लाए और छोड़े, अंदर की ओर लाए छोड़े, अंदर की ओर लाए छोड़े, ये कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगा। और ओवरऑल डाइट को अपना इम्प्रूव करो। और कोई दिक्कत समस्या? थाई पेन जनरली तब होता है जब आप बहुत सारा एक्सरसाइज कर लेते हो, जैसे जंपिंग स्क्वाट हो गया, आप अचानक से स्प्रिंट खींच लेते हो, आप स्क्वाट लगा लेते हो, उठक बैठक लगा लेते हो, और कुछ कुछ एक्सरसाइज जैसे लंजेस कर लेते हो, ये सब एक्सरसाइज, तो इससे थाई पेन इम्प्रूव हो जाता है, बढ़ने लगता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले प्रॉपर स्ट्रेचिंग करो और प्रोटीन का इंटेक बढ़ाओ और पानी ज़्यादा पियो। लगभग देखो, अगर डाइट आप अच्छा से रखोगे, रेस्ट आप अच्छा से रखोगे और सही गाइडेंस में ट्रेनिंग करोगे, तो आपको अभी देखो क्योंकि 15 से 20 दिन बचा हुआ है, दर्द तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द के जगह आपको नॉर्मल दर्द होगा, वो चीज़ें सही रहेगा। और कोई दिक्कत समस्या? सांस फूलता है, बस बॉडी टाइट हो जाता है लास्ट में, सांस फूलता है और बॉडी टाइट हो जाता है। देखिए, बॉडी टाइट सभी का होता है, मेरा भी होगा और इंटरनेशनल धावक है उनका भी होगा। तो वो डिपेंड करता है कि हर एक इंडिविजुअल का क्षमता कैसा है। इसका बॉडी टाइट अगर 1000 मीटर लगा रहा है तो इसका बॉडी टाइट होगा मान के चलिए 800 मीटर पे, तो अगला का जरूरी नहीं कि 800 में टाइट हो, इसका 600 में ही टाइट हो जाएगा, हो सकता है ऐसा और होता ही ऐसा है। तो यही चीज़ डिपेंड करता है कि अपना लेवल को बढ़ाइए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एक्सरसाइज कीजिए और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ट्रेनिंग कीजिए, जैसे फाटलेग ट्रेनिंग हो गया, इंटरवल ट्रेनिंग हो गया, ABC ड्रिल्स हो गया, थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज हो गया जो आपका पैरों में पावर लाए, इन सारे एक्सरसाइज को आप कर सकते हो। अगर आप पहले से करते हुए आ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं हो रहा होगा। अभी आप स्पीड वर्कआउट से, अभी आपका स्पीड वर्कआउट चल रहा है सभी का? यस सर। और जो लोग नए आए हैं उनका थोड़ा इंडोरेंस का चल रहा है, सही है? यस सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना लेवल को, अपना क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। और सांस बहुत ज़्यादा फूलता है तो आप क्या कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो। आपको कराता हूँ योगा? यस सर। प्रॉपर योगा का ब्रेथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। दूसरा चीज़, अपना डाइट को इम्प्रूव करो। डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इंटेक थोड़ा बढ़ाओ, जैसे कि आपका दलिया हो गया, ओट्स हो गया, शकरकंद हो गया, ठीक है, रोटी हो गया, किनोवा हो गया, इन सारे चीज़ का आप यूज़ कीजिए, ब्राउन ब्रेड हो गया, ठीक है। तो और कोई दिक्कत समस्या? लास्ट में मोटिवेट, हाँ, मोटिवेशन की कमी हो जाती है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा 1 मिनट बचा है, 1.5 मिनट बचा है, 2 मिनट बचा है, नहीं होगा, छोड़ देते हैं, ग्राउंड जाना छोड़ देते हैं। और बहुत लोग अचानक से रिजल्ट निकल गया, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको पता नहीं था, अचानक से रिजल्ट चेक किए और रिजल्ट आ गया है, अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको डिमोटिवेशन फील हो रहा होगा कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आप तो 100% अपना दीजिए, वो हो पाए ना हो पाए उस पर मत फोकस कीजिए। अगर पहले आप रिजल्ट पे फोकस कीजिएगा तो आप डिमोटिवेट हो जाएगा। पहले प्रोसेस पे फोकस कीजिए और लास्ट का जो आपका दे है, बहुत लोग डायरेक्ट छोड़ दिए हैं कि मेरा निकला है अब हम नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं करना। आपको प्रॉपर तरीका से एक्सरसाइज, अपना जो रूटीन है उसको फॉलो कीजिए। और अगर आपको नहीं पता चलता है, बहुत लोगों को है कि लास्ट में मात्र 30 सेकंड 35 सेकंड तोड़ना है,
लेकिन हो क्या रहा है कि उनको पता ही नहीं कि सही गाइडेंस क्या होता है, सही तरीका क्या होता है। तो उस पर आप फोकस कीजिए। मैंने वर्कआउट का वीडियो बनाया है, सब कुछ का वीडियो बनाया, आप जाके नीचे चेक कीजिए। और अगर आप ज्वाइन भी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो, यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगी और सभी तरह का जो आपका दिक्कत समस्या होता है उसको मैं अपने तरीक़े से आपको बताऊँगा, भी अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगा, और आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो यही रहा आज का ग्रुप डी से रिलेटेड वीडियो। और एक और वीडियो मैं ला के दूँगा, बहुत लोग डिमांड किए हैं उस वाले वीडियो में कि भर्ती जब आप देने जाओ या फिज़िकल देने जाओ वहाँ पर, तो उससे एक दो दिन पहले क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है और किस तरह से आप वहाँ पर जाके 100% दे सकते हो। ठीक है, तो और कोई दिक्कत समस्या तो नहीं? नो सर। बाकी आप मोटिवेट रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और किसी तरह की दिक्कत समस्या हो रही है तो आप, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाया है, वहाँ जाके चेक कीजिए। और अगर आप जल्दी में अपना इंप्रूवमेंट चाहते हो तो आप एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। तो बोले भारत माता की। थैंक यू। चलो।